नमस्कार दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज स्टोन शेफ की टीम पहुंची है उज्जैन। आप लोगों को पता ही है कि मोदी जी ने 11 अक्टूबर को यहां पे इनॉग्रेशन किया है। ये जो मेरे पीछे आप सारा एरिया देख रहे हैं, ये सैंडस्टोन का ही है, तो स्टोन शेफ भी यही काम करता है। ये जो आप पिलर देख रहे हैं, ये पूरी तरह से सैंडस्टोन में बना हुआ है, जो कि पिंक सैंडस्टोन है। दोस्तों, आपने अब तक जो भी यूट्यूब पे महाकालेश्वर कॉरिडोर के वीडियोस देखे हैं, ये वीडियो उस वीडियो से टोटली डिफरेंट है। आपका देखने का नज़रिया कि ये जितना भी वर्क किया गया है वो सैंडस्टोन में किया गया है। अभी तक तो आप सिर्फ इसको इसकी खूबसूरती निखार रहे थे। आप ये कैसे बनेगा, कैसे ये बनाया जाता है, कहाँ से ये स्टोन आता है, कैसे इस पर कार्विंग होती है, तो ये पूरी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और फ्रूटफुल होने वाली है। इस कॉरिडोर में जो भी सैंडस्टोन लगा है वो राजस्थान का पत्थर है, ये बंसी पहाड़पुर का पत्थर है। इस जो भी जहाँ जितना भी सारा काम किया गया है वो पिंक सैंडस्टोन में किया गया है। चलिए आपको इसकी वर्किंग के बारे में बताती हूँ। ये जो पिंक सैंडस्टोन है ये एक पूरे ब्लॉक में आता है, उसके बाद इसकी स्लैब्स कट होती हैं और उसके ऊपर कार्विंग की जाती है। जो आप चारों तरफ मेरे पिलर्स देख रहे हैं, आपके माइंड में ये इमेजिनेशन आ रहा होगा कि ये पिलर्स इतने ब्रॉड हैं क्या, इतने बड़े पिलर हैं। जी नहीं दोस्तों, इस पिलर के को क्लेडिंग वर्क कहा जाता है। इस पिलर्स के ऊपर क्लेडिंग वर्क किया गया है, मतलब स्लैब्स के ऊपर कार्विंग करके उसको चिपकाया गया है पिलर पे। चलिए दोस्तों, एक पर्टिकुलर वॉल की बात करते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत वॉल है। इस वॉल में हम लोग मतलब विंडोज़ भी निकाली गई हैं और उसके बाद स्टोन वर्क किया गया है। और इसको आपको लग रहा होगा कि ये पूरी वॉल क्या स्टोन की बनी है, नहीं, यहाँ पर 2x2 का एक म्यूरल काइंड ऑफ बनाया गया है और उसको स्टिक किया गया है, यानी कि ये क्लेडिंग वर्क में आता है। आई होप आप जान गए होंगे कि क्लेडिंग वर्क में और नॉर्मल स्टोन वर्क में क्या डिफरेंस है। अगर आप किस तरीके की अपने घर में वॉल या अपने होटल में म्यूरल बनवाना चाहते हैं, तो हम यानी स्टोन शेफ आपकी इस चीज़ में ज़रूर मदद करेंगे। ये जो एरिया है ये सप्तऋषि मंडल बनाया गया है, मतलब 7 ऋषियों को दिखाया गया है। जो आप ऊपर ये ऋषि देख रहे हैं, ये जो वर्क है ये फाइबर वर्क है, और नीचे जितना भी ये जो नीचे इस म्यूरल बनाया गया है ये पूरा टोटली सैंडस्टोन है। और बैठने के लिए यहाँ पर बेंचेस का भी इंतज़ाम है, तो पूरा काम देखिए आप, ऊपर फाइबर और नीचे सैंडस्टोन से इसको बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। दोस्तों, इस तरह के म्यूरल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं आजकल। ये इस तरह के म्यूरल हर तरह के डिज़ाइन में बनते हैं, ये टोटली कस्टमाइज्ड होता है। जैसे ये पिंक सैंडस्टोन पे कितने खूबसूरत म्यूरल हैं, ऐसे ही म्यूरल स्टोन शेफ्स भी बनाते हैं, जो कि आपकी होटल्स, आपकी हवेलीज, आपके घरों में, आपके जो एरिया, वट एवर यू वॉन्ट, वहाँ पर लग सकते हैं। सो डोंट वरी, आप कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस गिवन नंबर पर। इस तरह के म्यूरल्स बनाने के लिए स्टोन शेफ बहुत माहिर है। आप ये रूम्स देख रहे हैं, ये टोटली सैंडस्टोन वर्क है। यहाँ पे पीछे देखिए, ये 1x1 की टाइल है और जो जिस पे कार्विंग की गई है वो 2x2 की है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके इसको बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये कॉरिडोर का मेन एरिया है, मतलब एक तरफ मेरे यहाँ लेफ्ट साइड वॉल है और यहाँ पूरे महाकाल का जो मंदिर है वहाँ तक ये पिलर्स का एंड होता है।
बहुत ही खूबसूरत पिलर्स हैं। और ये जो एरिया है, जो कॉरिडोर का एरिया है, वो 900 मीटर में फैला हुआ है, यानी कि 900 मीटर में यहाँ पर सैंडस्टोन का ही काम किया गया है। और एक्चुअल काम तो आप इस वॉल पे देखिए, कितना खूबसूरती से इस वॉल को दिखाया गया है। यहाँ पर एंट्रेंस गेट से लेकर महाकाल मंदिर तक ऐसे ही पिलर्स बनाए गए हैं, सेम पिलर्स हैं, सेम ही इसका डिज़ाइन है ऑलमोस्ट, और सेम ही एरिया है। अगर मैं इस पिलर की आपको कार्विंग की डेप्थ दिखाऊं, ये मोर देन हाफ इंच है। देख रहे हैं आपको कितना खूबसूरती से इसको बनाया गया है। अगर मैं पर्टिकुलर इस पिलर की कैलकुलेशन बताऊं, तो इसकी 4 फीट मोटाई है और इसमें जो ब्लॉक्स हैं उस पर कार्विंग की गई है बहुत ही खूबसूरती से। देन ऊपर ये नृत्य करता हुआ म्यूरल है और उसकी हाइट है वो 20-22 फीट है। इस कॉरिडोर में लगभग 200 म्यूरल्स और स्टैचूज हैं। और अगर मैं पर्टिकुलर इस वॉल की बात करूं, तो मैं इसकी डिटेलिंग देना चाहूंगी आपको। ये जितना भी काम किया गया है, ये चोचली क्लेडिंग वर्क है, ये देख रहे हैं आप पीसेस में इनको पेस्ट किया गया है। और अगर मैं आपको यहाँ जॉइंट्स दिखाऊं, इससे आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि हाँ, ये पीसेस में बनाकर उसके ऊपर कार्विंग कर इसको पेस्ट किया गया है। दीज आर द जॉइंट्स। लाइक दिस एरिया यू कैन डिटरमाइन लाइक अ पीस। ये जो पूरी वॉल है, इसकी हाइट 30 फीट है। और अगर मैं इस वॉल को बताऊं आपको कि ये जो मेहराब बनाया गया है, बहुत मोटे मोटे ब्लॉक्स में उसके ऊपर कार्विंग कर इसको लगाया गया है। ये नहीं कि ये पूरा एक ब्लॉक में बना है, ब्लॉक लेकर, स्टोन का ब्लॉक लेकर उसके ऊपर हम शेप बना देते हैं ऐसे पिलर की, और उसके बाद इसके ऊपर कार्विंग की जाती है। दोस्तों, आपको मैं अगर ये म्यूरल दिखाऊं, तो आपको कलर डिफरेंस नज़र आ रहा होगा और थोड़े से जॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। देखिए बारीकियां देखिए आप इस म्यूरल की। हो सकता है कि एज यू नो टूरिस्ट आप इस चीज़ को ना देखें, लेकिन एज अ कस्टमर आप इस पर ज़रूर फोकस करेंगे। ये नेचुरल पत्थर है, तो इसमें कलर डिफरेंस होना लाजमी है। अगर ये मैनमेड होता, तो हो सकता है इसके ऊपर पेंट करके ये एक ही कलर का बना देते। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, नेचुरल पत्थर पे है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये अपने आप में नेचुरल चीज़ है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पहले सिविल वर्क किया जाता है, इस तरीके से सिविल वर्क किया जाता है, बेस वगैरह या वॉल होती है वो ऐसे बनाई जाती है, उसके बाद स्टोन वर्क किया जाता है और वो कार्ब्ड स्टोन इसके ऊपर पेस्ट कर दिया जाता है। तो आप लोगों को लगता है कि प्रॉपर ये स्टोन वर्क है, माना कि ये बहुत ही मजबूत स्टोन है, बहुत ही अच्छा लंबे समय तक चलने वाला है। दिस इज़ द बेस्ट वर्क टू डू। आप ऐसा ही सोच रहे हैं, आप अपना 30x70 का मंदिर या बहुत बड़ा विशाल मंदिर बनाना चाहते हैं, तो आप क्लेडिंग वर्क के लिए ही जाइए। पहले ऐसे सिविल वर्क किया जाएगा, RCC की छत चलेगी, उसके ऊपर हम लोग सैंडस्टोन की पेस्टिंग कर देंगे। दोस्तों, आपने हमारा कॉरिडोर का फर्स्ट फेज तो देख ही लिया था, ये सेकंड फेज है, इसको तैयार किया जा रहा है, ये अंडर प्रोसेस है। वो फाइनल गुड था हमारा, ये अभी सेमी फिनिश्ड वर्क है। दोस्तों, मैंने आपको कॉरिडोर में दिखाया था कि पहले RCC की वॉल बनाई गई है, उसके ऊपर क्लेडिंग की गई है। देखिए यहाँ पर भी ऐसे ये वॉल अंडर प्रोसेस में है, पिलर्स खड़े कर दिए गए हैं और उसके पीछे की वॉल देख रहे हैं, इस पर क्लेडिंग करना, स्टोन की क्लेडिंग करना अभी बाकी है। दिस वर्क इज अंडर प्रोसेस। ये देखिए मल्टी पीसेस में इनको तैयार किया जाता है।
ये ऊपर का वहाँ पे मैंने आपके वॉल पे दिखाया था, एक सिंहासन रखा गया था उसका पीस है। ये हमारे पिल्लर का पीस है, देखिए ये पिल्लर के पीसेस को जोड़कर फाइनल इस तरीके का पिल्लर बना दिया जाता है। इसी प्रांगण में यहाँ पर स्टोन का काम किया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से इसको कार्व किया जा रहा है, देखिए पूरा हैंडमेड है। पूरे एरिया की जो बाउंड्री की गई है इस तरह की रेलिंग से की गई है, आप देख रहे हैं इस रेलिंग की जो अंदर की पिलर्स की हाइट है वो 2 फीट है और इनके बीच बीच में ऐसे पिलर्स लगाए गए हैं और उस पर कार्विंग की गई है, ये 3 फीट के पिलर्स हैं। देखिए रेलिंग से पूरी बाउंड्री चारों तरफ इसी की बाउंड्री की गई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये रेलिंग। आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया सैंडस्टोन पे काम किया गया है, नेचुरल स्टोन है। जब हमारी गवर्नमेंट, हमारी मोदी सरकार इस पर्टिकुलर पत्थर को इतना प्रमोट कर रही है, आप समझ सकते हैं वो कितना दूरदर्शी सोचते हैं मोदी जी। तो आप अगर अपना रिसोर्ट बना रहे हैं, अपनी हवेली का आर्किटेक्चर कराना चाहते हैं, तो आप क्यों नहीं बिलीव करते, आप इसके ऊपर क्यों क्वेश्चन करते हैं कि ये नेचुरल प्रोडक्ट है, इसकी कितनी लाइफ है, ये टूट तो नहीं जाएगा। जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट सैंडस्टोन पे बन सकता है तो आपका घर, आपका होटल, आपका रिसोर्ट या आपका मंदिर क्यों नहीं। ये जो आप स्टैचू देख रहे हैं ये शिवजी जी की बारात निकल रही है उसका एक सीन क्रिएट किया गया है और ये फाइबर के हैं और नीचे ये जो इसके ऊपर इनकी पूरी इंफॉर्मेशन है चारों तरफ, ये भी क्लेडिंग वर्क है और इस पर इसको लिखा गया है इनकी पूरी स्टोरी। और ऐसे ही इस कॉरिडोर में बहुत सारे स्टैचूज हैं जिनके नीचे ऐसे इनकी सारी इंफॉर्मेशन या कोई भी स्टोरी लिखी गई है। हम कॉरिडोर के जिस एरिया में खड़े हैं ये चारों तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये RCC से बनाया गया, मतलब कि जो इंटरनल पार्ट है वो RCC का है। और अगर ये हम लोग इस पिलर की बात करें, इसमें ये कॉलम बनाया गया है वो भी RCC का है। उसके बाद पत्थर पे कार्व्ड पत्थर, मतलब पत्थर पे कार्विंग करके इसको पेस्ट किया गया है। और हम इस बॉर्डर की बात करें तो आप ये देख रहे हैं ये एरिया, इसके अंदर ये जो पिलर्स हैं वो पिंक सैंडस्टोन के हैं और ये जो पिलर्स हैं वो पिंक सैंडस्टोन के हैं और उसके ऊपर जो ये बॉर्डर है वो फाइबर की है। और इन दोनों को ऐसे रिलेट किया गया है, इनका जो कलर है वो बिल्कुल सेम है, कार्विंग इनफैक्ट सेम है, ऐसा लग रहा है कि मानो कि पत्थर में बनाया गया हो। जी हाँ दोस्तों, ये जो ऊपर बॉर्डर बनाई गई है, जो पेस्ट की गई है, वो फाइबर की है। और इसको मैं बिल्कुल करीब से दिखाती हूँ, देखिए ये आप इसके बीच में ड्रिल देख पा रहे हैं, कीलों से ड्रिलिंग की गई है और ये पूरी बॉर्डर फाइबर की है। ये हम उस एरिया में आ गए हैं जहाँ पर गजीबो भी बनाए गए हैं। गजीबो भी आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत खूबसूरत लगते हैं जब ये इंस्टॉल हो जाते हैं। जैसे मेरे पीछे इस गजीबो की बात कीजिए तो ये 15x30 का गजीबो है, इसका एरिया इतना है और इसके जो चारों तरफ पिलर्स हैं उनकी मोटाई 16 इंच है। देखिए अगर फिर भी, अब दोबारा मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ, इस गजीबो के चारों तरफ पिलर्स हैं वो सैंडस्टोन के हैं और ऊपर जो इसकी रूफ़ बनाई गई है वो फाइबर की बनाई गई है। अगर आप शाइनिंग देख रहे हैं, हमारा जो ये नेचुरल प्रोडक्ट है, हमारा ये नेचुरल स्टोन है, इसमें रफनेस होती है लेकिन फाइबर के प्रोडक्ट में देखिए शाइनिंग है, यू कैन सी वेरी इजीली, यू कैन डिफरेंशिएट इजीली। अब हम आ गए हैं मंदिर की एंट्री यानी कि महाकालेश्वर मंदिर के बिल्कुल आगे। यहाँ जो पूरी तरह ये मंदिर बनाया गया है ये पूरी तरह से सैंडस्टोन का है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। इसमें देखिए कितनी खूबसूरती से जालियाँ दिखाई गई हैं, बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है। ये
एंट्रेंस गेट आ गया है महाकाल देव का मंदिर का, और आप देखिए इस मंदिर की जो ये गेट है कितना मतलब हैवी बनाया गया है, कितना मजबूत बनाया गया है। अगर मैं मेहराब की बात करूं, इसकी मोटाई, इसकी थिकनेस 9 इंच है, और ये अलग अलग पत्थर में इसको लगाया गया है। आप इसके जॉइंट्स देख सकते हैं कितना मोटा पत्थर है, कितनी मजबूती से बनाया गया है, और कार्विंग की गहराई भी कितनी खूबसूरती से निखारी गई है। यहाँ पर जालियाँ भी लगाई गई हैं और बहुत ही ब्यूटीफुली कार्विंग की गई है। ऊपर वाले जो पिलर्स हैं वो 9 इंच के हैं और नीचे वाले पिलर्स 16 इंच की मोटाई के हैं। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि आपको सैंडस्टोन के बारे में जानकारी मिल सके, कैसे ये पत्थर लगाया जाता है, कैसे इसका काम किया जाता है, कहाँ से ये पत्थर आता है और कौन सी लेबर आती है, व्हाट मतलब सो ऑन। तो इस वीडियो का उद्देश्य ये था कि आपको भी ऐसे ही स्टोन वर्क करवाना है, ऐसी ही जालियाँ बनवानी है, पिलर्स, रेलिंग, म्यूरल्स बनवाने हैं, स्टैचूज बनवाने हैं, आप हमें डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। ये गिवन नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, यू आर फील फ्री टू कॉल अस। और साथ के साथ हमने एक आपको कॉरिडोर का व्यू भी दिखा दिया, कॉरिडोर का आपको मुआयना भी करवा दिया कि मोदी जी ने कितना खूबसूरत काम करवाया है। ये एक नेचुरल पत्थर है, बिलीव दिस, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल आर्किटेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के एंड में मैं थैंक्स करना चाहूँगी मोदी जी को, जो इन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, इतनी खूबसूरत क्रिएचर तैयार करवाई, और साथ ही साथ यहाँ के आर्किटेक्ट्स हो गए जिन्होंने ये डिज़ाइन तैयार किया है, हमारी लेबर हो गई जिन्होंने इतनी गर्मी में और इतनी मेहनत से काम किया है, और साथ ही साथ उज्जैन वासियों का जिन्होंने इतना सपोर्ट किया और इतनी ब्यूटीफुल क्रिएचर हमें प्रदान की है। आने वाले 100-200 सालों में ये क्रिएचर एज इट इज़ रहेगी, अगर इसको हम मेंटेन करके रखेंगे तो। दोस्तों, ऐसी धरोहर को हमें हमारे पूरे इंडिया में ऐसी तैयार करनी चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन इनको देख के अपनी संस्कृति को अपने मन में जगाए रखे। थैंक यू सो मच।